यानी बोले तो अच्छी बात बोले, वरना क्या करे, अपनी जुबान को बंद रखे, बुरा वो ना बोले। जवान के बारे में उनसे पूछा जाना है तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया कि वहाँ तेरी माँ जो है तुझे गुम पाए, अपने आप का मुहासबा कर लो इससे पहले कि तुम्हारा मुहासबा हो, यानी अपने आप का हिसाब किताब तुम खुद कर लो इससे पहले कि रोज़े क़यामत तुम्हारा हिसाब किताब हो। लेकिन कोई बुरी बात कहता है और उसको एहसास भी नहीं होता, उसका ठिकाना जहन्नम बन जाता है। तो उन्होंने कहा कि जुबान है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा लोग जहन्नम में जाएंगे, इसको कि जो खामोश रहा निजात पा गए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला अलैहि व सहाबी अजमईन। फाउज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी यशरली सदरी व यस्सिर ली अमरी व हलल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब यहाँ हफ्तेवारी दरस कुरान के लिए जमा हुए हैं। इस मुख्तसर से वक्त में ज़बान की हिफाजत और उसकी हलाकतें, इस उनवान के ताल्लुक से चंद बातें रखने की कोशिश करूँगा। जबान की अगर बात की जाए तो लोग अगर इस उनवान की तरफ सुनते भी हैं तो कोई जबान, अब ये भी कोई उनवान हो सकता है कि जबान के ताल्लुक से इसमें कोई ख़ास बात हमको नहीं लगती। भाई जबान है एक चीज़ है जिससे हम बोलते हैं, खाते हैं, स्वाद चखते हैं, तो क्या इसके बारे में भी कोई एक उनवान बनाया जा सकता है? तो इसमें कोई ख़ास बात अगर हम देखें तो हमको नहीं लगती कि भाई जबान के ताल्लुक से क्या बात इसके अंदर की जाएगी। लेकिन कुरान हदीस में हम देखते हैं कि इस पर बड़े बड़े किताबें भी इस पर ताल्लुक से लिखी गई, कुरान के अंदर हदीस के अंदर बहुत सारी चीज़ें जवान के ताल्लुक से बतलाई गई हैं। और यूँ तो हम देखते हैं कि फ़राइज़ के ताल्लुक से तो इंसान उस पर तवज्जो देता है, उसके मसाइल पर ध्यान देता है, नमाज के ताल्लुक से, ज़कात, रोज़ा, हज वगैरह के ताल्लुक से। लेकिन जबान के ताल्लुक से हम देखें कि बहुत कम लोगों को समझ होती है कि जबान का इस्तेमाल उसको कैसे किया जाना है, और इसको जो है समझना इंतहाई ज़रूरी है। क्योंकि रस्मन जो इस्लाम है, रस्मन इस्लाम तो हर किसी को मालूम होता है कि भाई नमाज़ पढ़ना है, उसको रोज़े रखना है, ज़कात देना है और दूसरे तमाम दिगर मसाइल उसको सब मालूम होते हैं, या ज़िंदगी का जो उसका रूटीन है, रस्मन है कि पैदा होना है, पैदा हुआ तो उसके क्या क्या उसके रस्म है, मर गया तो उसको नहलाना धोलाना, उस मैयत की जनाजे की नमाज़ वगैरह, ये सारी दिगर उसको मालूम होता है। लेकिन जबान के ताल्लुक से, इस्लाम के ताल्लुक से पूरा मुकम्मल उसको नहीं होता। क्योंकि इस्लाम का माना क्या होता है कि अपने आप को सरेंडर कर देना, अपने आप को इस्लाम के सुपुर्द कर देना, अपने आप को पूरा वक्फ कर देना इस्लाम को। तो फिर जो है ज़िंदगी के अंदर, यानी सारी उस, अब अपने आप को जब वक्फ कर देंगे, पूरा इस्लाम को सुपुर्द कर देंगे, तमाम चीज़ें उसके तहत चली जाती है, यानी जुबान, कान, आँख, ये सब चीज़ें उसके तहत चली जाती है। तो जुबान क्या है कि जुबान एक, हम एक जुबान तो होती है जिसको हम कहते हैं लैंग्वेज, बोली, भाषा जिसको हम कहते हैं, जो अलग अलग कि ये एक जुबान है, इसको भी जुबान कहा जाता है। लेकिन हमारा वो उनवान नहीं है कि आदमी क्या जुबान बोले और कौन सी जुबान है, वो उससे मुराद नहीं। जुबान जिसको अरबी में कहा जाता है लिसान, इसी को जुबान कहा जाता है, यानी कि लिसान। तो अल्लाह ने जो ये अलग अलग जुबान, एक बोली जो बनाई है अल्लाह ने, अलग अलग लैंग्वेज बनाई है हर इंसान की, हर जो थोड़ी थोड़ी दूर पर जाते हैं हम, उसकी जुबान अलग होती है, जुबान यानी कि उसकी लैंग्वेज अलग होती है। लेकिन ये किस लिए बनाई अल्लाह ने, हर जुबान अलग अलग इसलिए बनाई ताकि लोग उसको पहचाने कि हाँ ये फला ये बोलता है, ये जो है बिहारी बोलता है, ये जो है राजस्थानी बोलता है, ये मालवी बोलता है, ये मारवाड़ी बोलता है, यानी पहचान के लिए बनाया गया। जिस तरह से अल्लाह ने जो है अलग अलग लोग बनाए, कबीले बनाए ताकि लोग उसको पहचाने, उसी तरह जुबान भी बनाई, अलग अलग लैंग्वेज बनाई ताकि एक दूसरे को लोग उससे पहचाने। और इसके ताल्लुक से अल्लाह ने फरमाया भी कुरान के अंदर, सूरह बलद में अल्लाह ने फरमाया कि हमने तुमको जुबान दी, सब तमाम चीज़ों के बाद हमने तुमको कान दिए, आँख दिए, और कहा कि हमने तुमको जुबान भी दी है। और जुबान दी और उसके अलावा दो रास्ते बताएँ, दो रास्ते बताएँ, यानी कि एक रास्ता जो जन्नत की तरफ जाता है और एक रास्ता जो जहन्नम की तरफ जाता है, और ये दोनों रास्ते जुबान से ताल्लुक़ रखते हैं। क्योंकि इंसान जुबान की वजह से जन्नत भी जा सकता है और जुबान की वजह से जहन्नम भी जा सकता है। एक एक बोल, एक उसका जो है कलमा,
एक कलमा अगर उसका गलत निकल गया, उस पर उसकी मौत आ गई, उसने उस पर तौबा नहीं की, कुफरी अल्फाज उसने निकाल दिया, तो वो जो है जहन्नम चला जा सकता है। वो एक अल्फाज उसका जो अल्लाह की तारीफ में, जो अल्लाह उसको पसंद कर ले, तो उसके वजह से वो जन्नत भी जा सकता है। तो ज़ुबान का जो है बहुत ज़्यादा इसके अंदर अहमियत है। और इसी तरह ताल्लुक से जो है अल्लाह के रसूल सल्लम ने क्या फरमाया कि ज़ुबान में उस शख्स की जन्नत की गारंटी लेता हूँ, जमानत लेता हूँ उस शख्स की जो दो चीज़ों की हिफाजत की जिम्मेदारी जमानत मुझे दे दे। किस चीज़ की? एक ज़ुबान और एक शर्मगाह। तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने इसकी गारंटी दी उस शख्स के लिए कि जो मुझको अगर इसकी जमानत दे दे तो मैं उसको जमानत देता हूँ जन्नत की। यानी ज़ुबान जो है इतनी अहम इसमें देखते हैं। तो एक कलमा जो है जन्नत ले जा सकता है और एक कलमा जहन्नम ले जा सकता है। तो ज़ुबान की इतनी अहमियत है। और इसी तरह क्योंकि इसके ताल्लुक से हम देखें कि इससे जो है अल्लाह के रसूल ने इसकी वईद से अपनी बीवी तक को अल्लाह के रसूल सल्लम ने इसकी वईद सुनाई। एक बार जो है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने उनको जो हज़रत सफ़िया, हज़रत सफ़िया की जो अल्लाह के रसूल सल्लम ने कुछ उनके बारे में कुछ कलमात कुछ तारीफ़ के हज़रत आयशा के सामने कह दिए। तो क्योंकि उनकी सौकन थी तो उनको थोड़ा नागवार गुजरा। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ने उनसे कह दिया, कहा नहीं, सिर्फ कहा कि आप उसकी तारीफ़ करते हैं, हालांकि वो क्या है ऐसी है, सिर्फ इशारा किया। यानी वो थोड़ी सी जो कदमें कम थी तो इतना का सिर्फ इशारा किया कि वो ऐसी, अगर वो ऐसी होती तो आप जो है और उसके लिए क्या कहते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया कि आयशा तूने जो है आज ऐसी बात कह दी है, तूने ऐसी बात कह दी कि अगर तेरी इस बात को एक समुद्र के अंदर, एक दरिया के अंदर इस जुमले को मिला दिया जाए तो पूरे दरिया का पानी कड़वा करने के लिए काफ़ी है। तो हम देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लम ने उनकी बीवी तक को इसकी वईद सुनाई है, तो हम इसको जान सकते हैं। तो अल्लाह ने जो तमाम नेमतें हमको दी है उसके अंदर ये भी एक नेमत है ज़ुबान, ये भी एक नेमत है जो अल्लाह ने, और मैं समझता हूँ कि ये सबसे अजीम नेमत है जो ज़ुबान, ये सबसे अजीम नेमत है। और इसके ताल्लुक से उससे पूछा जाना है, जिस तरह तमाम नेमत के बारे में पूछा जाना है कि औलाद दी तो उसके बारे में पूछा जाना है, आपने उसकी तरबियत की कि नहीं अच्छी, किसी को माल दिया तो उसके बारे में पूछा जाना है कि हमने माल दिया था कहाँ पर खर्च किया, उसके ताल्लुक से पूछा जाना है। तो किसी को सेहत दी तो उससे भी पूछा जाना है कि तूने इबादत की कि नहीं है, तुम जब तुझे अच्छी सेहत दी थी तो उसके बारे में पूछा जाना है। तो तमाम चीज़ों के बारे में पूछा जाना है, नहीं पूरे जिस्म, लेकिन उसमें एक ज़ुबान ख़ास है और ये कितनी बड़ी नेमत है इसके ताल्लुक से भी पूछा जाना है। तो जो भी नेमत अल्लाह ने हमको दी है उसके बारे में हमसे सवाल किया जाना है। और इसी तरह जो है एक बार जो है सहाबा ने कहा कि नेमत के ताल्लुक से हम देखें कि एक बार जो है सहाबा ने अल्लाह के रसूल सल्लम कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लम हम जो है आपने हमको इतने सारे अजकार बताएं कि फ़लाँ अजकार पढ़ो तो इतनी नेकियाँ, फ़लाँ अजकार पढ़ो तो ये जो है मीज़ान में ये भारी है, फ़लाँ चीज़ ये करो तो इतने इतनी बार ये पढ़ा तो इतनी तुमको इसके अंदर नेकी मिलेगी। तो तमाम चीज़ें अल्लाह के रसूल सल्लम आपने बताई, अगर ये सब हम करते रहें, जैसे अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया कि नमाज़ के बाद में, फर्ज नमाज के बाद अगर तुम 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 33 बार अल्लाह अकबर पढ़ोगे, एक बार शहादत का कलमा पढ़ोगे तो तुम्हारे जो जितने गुनाह समुद्र के झांक के बराबर भी हो तो माफ़ कर दिए जाएंगे। इस तरह जो है कई जो है नेकियाँ बताई गई। तो सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लम इतनी जब हम अजकार कर लेंगे तो रोज़े क़यामत तो हमारे जो है पलड़े बहुत भारी हो जाएंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया कि अगर अल्लाह ने जो है तुम्हारे जितनी नेकियाँ जो तुमने की है ये तुम एक पलड़े में जमा कर दो और अल्लाह एक नेमत एक पलड़े में रख दे तो वो नेमत उन तमाम नेकियों से भारी हो जाएगी। यानी अल्लाह की वो नेमत, हर जो नेमत उसके बारे में हम गौर फिक्र करें एक एक नेमत के बारे में, तो हमको मालूम पड़ेगा कि वाकई हम जो करते हैं या कुछ भी करते हैं अपने आप को पूरी ज़िंदगी 2400 घंटे भी सर्फ कर दें अल्लाह की याद में, उसके जिक्र में, तो भी उसकी एक नेमत का भी हक हम अदा नहीं कर सकते। तो तमाम नेमतों के बारे में पूछा जाना, तो उस नेमत के अंदर ज़बान भी एक नेमत है और इसके बारे में पूछा जाना है। और ये ज़बान ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ने सिर्फ हमको दी है, सिर्फ किसको दिए? इंसानों को दिए। ये ज़बान सिर्फ इंसानों को दी, क्योंकि हम देखेंगे ज़ुबान तो सबके पास में है, जो भी मखलूक है सभी, हम जानवरों को देखेंगे गाय भैंस बकरी, ज़ुबान उनके भी होती है, मछलियाँ देखें अब ज़बान उनके पास भी होती है, तो ज़बान तो सबके पास है, लेकिन बोलने की सलाहियत जो है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ने इंसान को दी।
اور یہ سب سے آپ دیکھیں کتنی لاکھوں کروڑوں مخلوق ہے دنیا کے اندر، کتنے جانور ہیں، پانی کے اندر کتنی مچھلیاں ہیں، کتنی طرح کی مچھلیاں ہیں، سب کے پاس زبان ہے، لیکن بولنے کی جو صلاحیت ہے، بات کرنے کی، بیان کرنے کی جو بات ہے، وہ صرف اسی انسان کے پاس ہے۔ تو سب سے عجیب نعمت ہے، اس کے تعلق سے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا بھی، سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 4 میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ مول بیان، کہ ہم نے تم کو بیان کرنا سکھایا، اور بیان کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم ترقی کر پائیں، بیان اور لکھنے کی وجہ سے۔ آج جو آدمی کچھ سمجھا تو لکھ کر گیا، بیان کر کر گیا، تو اس کی وجہ سے لوگ اس کو آگے بڑھاتے گئے، تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہے جانوروں پر سواری کرنے والے، آج آسمانوں کی سواری کرتے ہیں، وہ کس کی وجہ سے؟ بیان کی وجہ سے، کیونکہ ہم اس کو جو ہے ڈیولپ کرتے گئے اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ لے۔ تو یہ جو ہے صرف اور صرف انسان کو اللہ نے دیا ہے، تو اللہ نے زبان دی تو عجیب نعمت ہے، اور اس کے بارے میں پوچھا جانا ہے۔ تو زبان کا صحیح استعمال اگر ایک انسان کرتا ہے تو یہی زبان اس کو اونچا اٹھا دیتی ہے، اور اگر وہ زبان کا غلط استعمال کرتا ہے تو یہی زبان اس کو نیچے گرا دیتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جو اچھا بیان کرتا ہے، اچھا بولتا ہے، تو لوگ اس بیان کی وجہ سے، اس کی زبان کی وجہ سے، یار اس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اخلاق بھی کس چیز سے جھلکے گا آپ کا؟ اخلاق بھی زبان سے ہی جھلکتا ہے۔ اخلاق ایسا نہیں کہ ایسا آدمی جو ہے ظاہری طور پر بھی دکھتا ہے، اس کے جو عادت اطوار ہوتے ہیں، لیکن بولنے سے اخلاق جھلکتا ہے۔ تو لوگ جو ہے اخلاق سے اگر بات کرتا ہے، اس کی زبان اچھی ہے، میٹھی زبان ہے، تو لوگ اس کے قائل ہوتے ہیں، تو اس کو عزت بھی لوگ دنیا میں بھی دیتے ہیں۔ لیکن اگر وہی اگر اس کی زبان خراب ہے، کڑوا بولتا ہے، تانے دیتا ہے، تو لوگ پھر اس کو گرا بھی دیتے ہیں، اس کی بات کو کوئی سننا پسند نہیں کرتا ہے۔ تو یہی زبان جو ہے اگر میٹھا بھی بولے اور کڑوا بولے، تو اس کی عزت اور اس کی ذلت دونوں کا سبب بھی یہی زبان بنتی ہے۔ اور زبان جو ہے جسم کا وہ حصہ ہے جو سب سے اچھا حصہ بھی وہی ہے، جسم کا زبان ہے، اور سب سے برا حصہ بھی جسم کا زبان ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ جسم میں سب سے اچھا حصہ کون سا ہے، تو وہ زبان ہے، وہ برا بھی ہے تو وہی بھی زبان ہی ہے۔ اور اس کا جو ہے اس کا استعمال صحیح کرنا ہے۔ کیوں اس کا استعمال صحیح نہیں کریں گے؟ تو ہر چیز ہماری لکھ لی جاتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تمہارے، سورہ کاف کے اندر فرمایا کہ دو فرشتے ہم نے تمہارے کاندھوں پر بٹھا رکھے ہیں، جو تم بولتے نہیں اور وہ لکھ لیتے ہیں۔ یعنی جیسے ہی آپ ارادہ کرتے ہیں، وہ قلم لے کر تیار ہو جاتے ہیں، جیسے ہی آپ نے جملہ بولا وہ لکھ لیتے ہیں، وہ بولتے نہیں۔ تو بولتا کس سے؟ انسان زبان سے۔ جیسے ہی اس نے بولا تو وہ لکھ لیتے ہیں، اور اس کا حساب کتاب جو ہے کیا جانا ہے۔ اس کے تعلق سے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا، سورہ کاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 18 میں اللہ فرماتا ہے، ما یلفظ من قول الا لدی رقیب الحد، کہ زبان سے جو بھی بات نکلتی ہے دو نگران اس کو لکھ لیتے ہیں۔ یعنی وہ دو فرشتے بیٹھے، زبان سے جو نکلتا ہے وہ لکھ لیتے ہیں۔ اور اسی تعلق سے ہم دیکھیں کہ اللہ نے قرآن میں جو فرمایا، جو کتبے کے اندر بھی وہ بار بار، ہر بار آیت وہ دہرائی جاتی ہے، بار بار وہ آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ زبان کا اس سے تعلق ہے، زبان کا اس سے تعلق سے۔ جو سورہ حجاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 70 اور 71 میں اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا شدیدا یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم جنوبکم وطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کہ جو ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، سیدھی اور سچی بات کہو۔ زبان سے تعلق ہے، بولتا کس سے؟ انسان زبان سے۔ وہ سیدھی اور سچی بات کہو، ان اس سے جھوٹ اور فریب جو دل کے اندر تم دوسری ارادہ الگ رکھتے ہو، وہ زبان سے الگ بولتے ہو، اسے بنا بولو۔ سیدھی اور سچی بات تم کرو تو اللہ تمہارے جو ہے کام کو سنوار دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا تو اس نے تو بڑی مراد پاری، اس نے بڑی مراد پاری۔ تو کسی کے دل دکھانے والی بات اس زبان سے نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کسی کا دل دکھائیں۔ زبان جو ہے صحیح ہے تو انسان جو ہے اس پہ راج کر سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں زبان جس کی صحیح ہوتی ہے، آج ہم دیکھتے ہیں جو راجنیتی میں لوگ ہوتے ہیں، جو نیتا اس کی زبان اچھی ہے، بولتا اچھا ہے، کرتا کچھ نہیں ہے، تو ہم دیکھتے ہیں راج کرتا ہے۔ بولتا اچھا ہے تو راج کرتا ہے، تو زبان سے انسان راج بھی کر سکتا ہے۔ اور اگر اچھا نہیں بولتا ہے تو اس کے لیے خاموش رہنا بہتر ہے۔ کوئی اگر اچھا نہیں بولتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ خاموش رہے، پھر بولے نہ، کیونکہ اس کے بولنے کی وجہ سے بگاڑ ہوتا ہے۔ جس کے تعلق سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 2501، کہ جو خاموش رہا نجات پا گئے۔ یعنی جو خاموش رہا تو نجات پا گئے، یعنی اگر وہ اچھا نہیں بول سکتا ہے تو اس کے لیے بہتر کیا ہے کہ وہ خاموش ہو جائے، خاموش ہے تو وہ نجات پا جائے گا۔ اسی طرح جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 6018، کہ جو آدمی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، اور اب مہمان کی مہمان نوازی کرے،
और दुरुस्त बात कहे या फिर वो क्या करे, खामोश रहे, यानी बोले तो अच्छी बात बोले, वरना क्या करे, अपनी जुबान को बंद रखे, बुरा वो ना बोले। तो यहाँ पर ये फरमाया तो खामोशी क्या है कि निजात है, लेकिन जहाँ हक बात आ जाएगी तो वहाँ फिर खामोश आप नहीं रह सकते। जहाँ हक बात आएगी तो आपको बोलना पड़ेगा, वहाँ आप खामोश नहीं रह सकते, आपको फिर बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हक बात है। तो उसके ताल्लुक से जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जब आदमी बुराई होते देखे तो क्या करे, सबसे पहले हाथ से रोके, सबसे पहले बुराई को हाथ से रोके। अगर उसमें ताकत है, कुव्वत रखता है, तो वो ताकत उसको जो हाथ से रोके। फिर अगर वो अगर ताकत नहीं रखता कि हाथ से नहीं रोक सकता, तो फिर क्या करे, वो उसको ज़ुबान से रोके, यानी बोल कर रोके, ज़ुबान से मना करे, भाई बुरा है मत करो, उससे डराए उसको। तो ज़ुबान का इस्तेमाल है, हक बात है, हक बात के लिए, क्योंकि कोई किसी पर जुल्म कर रहा था आपको वहाँ बोलना पड़ेगा। और अगर फिर आप ज़ुबान की भी ताकत नहीं रखते कि यार इंतहा ये आदमी इतना बदबخت है कि अगर इसको बोलूँगा तो फिर और मसला हो जाएगा, तो फिर उस फिर में क्या करे कि वो दिल में बुरा जाने, और ये ईमान का सबसे निचला दर्जा है कि वो दिल में बुरा मानकर फिर वो जो है निकल सकता है। तो जो ज़ुबान ऐसी है कि ज़ुबान ऐसी चीज़ है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाते हैं कि ये ज़ुबान से सारे जिस्म के जितने आजा हैं, यानी जो हमारे हाथ पैर कान आँख मुंह दांत जो भी आजा हैं जिस्म के, ये रोजाना ज़ुबान से पनाह मांगते हैं, रोज़ जो है ज़ुबान से पनाह मांगते हैं। उसके ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लम फरमाते हैं, जामी तिरमिजी की रिवायत है, हदीस नंबर 2407, कि अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया कि इब्ने आदम जब सुबह करता है, इब्ने आदम सुबह करता है यानी जब उठता है, तो जिस्म के सारे आज़ा ज़बान से कहते हैं कि ए ज़बान तू सही रहना, तू सही रहेगी तो हम सही रहेंगे, अगर तू बिगड़ गई तो हम बिगड़ जाएंगे, यानी अगर तू जो है सीधी रहती, यानी तू टेढ़ी हो गई तो हम टेढ़े हो जाएंगे। देखिए आप क्या होता क्या है कि अगर एक इंसान दूसरे आदमी से झगड़ा करता है किसी बात से, तो होता क्या है, वो तो है क्या करता है कि वो ज़ुबान से उसको कुछ कहता है, वो सामने वाला अगर ताकतवर है और अगर उसको मारने भिड़ जाता है तो आप देखिए वो उसको क्या होगा, उसका हाथ तोड़ देगा, उसका पेड़ तोड़ देगा, है ना। और उसकी जो है अगर वो उसको मुंह पे भी मारेगा तो उसका जो क्या होगा, जबड़ा टूट जाएगा, उसके होंठ सूज जाएंगे, लेकिन होगा क्या, उसकी ज़ुबान अंदर है, उसकी ज़ुबान का कुछ नहीं होता। आप देखिए आप किसी को मारा जाता है तो क्या होता है, उसका सर फूट जाता है, हाथ पेट टूट जाते हैं, लेकिन ज़ुबान का कुछ नहीं होता। तो इसलिए वो पनाह मांगते हैं कि तू अगर बिगड़ गई, तेरे बोलने की वजह से नुकसान किसका होता है, पूरे जिस्म का होता है, तो तू सही रहना। तो वो पनाह मांगते हैं, रोजाना होता है, जब सुबह होती है तो ये ज़ुबान से पनाह मांगते हैं। इसी तरह जो है अल्लाह के रसूल सल्लम से सवाल किया गया, सही तिरमिजी की रिवायत है, हदीस नंबर 2406, के एक सवाल किया गया कि अल्लाह के रसूल निजात क्या है, यानी निजात यानी आखिरत के अंदर निजात क्या है, निजात कहाँ मिलेगी, सुकून कैसे मिलेगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया, अपनी ज़ुबान को काबू में रख और घर पे बाकी रह, अपनी ज़ुबान को काबू में रख, इसको कंट्रोल में रख, और अपने घर पर बाकी रह, और अपने गुनाहों पर रोया कर। तीन बातें बताई गई, यानी अपनी ज़ुबान पर काबू रख, घर पर बाकी रह, और अपने गुनाह पर रोया कर। अब ये इसमें बहुत अहम बात है, क्यों, एक तो ज़ुबान के ताल्लुक से, दूसरा कि घर के अंदर बाकी रहे, क्योंकि क्या होता है कि घर के बाहर जब इंसान जाता है तो क्या करता है, फालतू बातें बहुत ज़्यादा करता है। जैसे ही बाहर गया, घर में रहेगा तो बाहर में क्या होता है कि इंसान जब बाहर जाता है तो बाहर क्या होता है, बाहर उसको लोग जानते नहीं हैं। अब वो सिर्फ उसके जो कपड़े वो देख रहा है, उसकी गाड़ी वो देख रहा है, लेकिन उसके अंदर की हैसियत बाहर वाले नहीं जानते, तो वो उसकी जो है जाहिरी चीज़ों को देखेंगे और वहाँ फेंकेगा, तो आदमी जो कहेंगे हाँ अच्छी बात है यार, तो बोले मैंने ये कर दिया फलां, हाँ अच्छी बात, बोले मैं ये करता हूँ अपना ये होता है, हाँ हाँ अच्छा है अच्छा है। लेकिन अगर घर पर जो क्या होगा कि घर पर रहता है, घर वाले इसको जानते हैं, तो घर पर अगर कहेगा मैं फलां, तो कह भाई हम जानते हैं, हमने देखा तेरे को, निकर में घूमता था हमारे सामने, तो हमारे सामने बड़ा हुआ है, तो वहाँ फेंक नहीं सकता। तो घर पर क्या होगा, ज़ुबान का सही इस्तेमाल करेगा, फालतू बात नहीं करता, लेकिन बाहर जाएगा तो वो बेजा इस्तेमाल करेगा वहाँ। तो कितनी बेहतरीन बात है जो अल्लाह के रसूल सल्लम कहे कि बाहर तो घर पर बाकी रहे और गुनाहों पर जो फिर तो रोया कर। तो ज़बान का जो है कंट्रोल है, ज़बान पे कंट्रोल अगर एक इंसान रखता है, मुसलमान रखता है, तो जन्नत की बाइस बन सकता है, और ज़बान को अगर कंट्रोल खो दिया तो जहन्नम में जा सकता है, ज़बान के कंट्रोल पर। इसके ताल्लुक से हम देखें कि सही तिर्मिज़ी की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया, हदीस नंबर 2616, कि माज इब्न जबल, ये जो है अल्लाह के रसूल के साबित हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने इनको क्या किया कि यमन भेजा,
वहाँ का गवर्नर बनाने के लिए, तो इन्होंने पहले तो मना कर दिया, अल्लाह के रसूल सल्लम मैं जो है वो नहीं करूँगा, मैं सिर्फ अल्लाह की इबादत करूँगा, मैं यहीं रहना चाहता हूँ, आपके पास में रहना चाहता हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने उनको समझाया कि नहीं, तुम इस लायक हो के वहाँ जाकर तुम गवर्नरी करो और लोगों को वहाँ पर तुम संभाल देखो, क्योंकि इस लायक हो। तो अपनी सलाहियत के ताल्लुक से उन्होंने, लेकिन वो जाना नहीं चाहते थे। आज जैसा नहीं कि किसी को ओहदा दे दिया जाए तो आदमी दौड़ता, अरे ओहदा इतना बड़ा, गवर्नर कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं होती है, बहुत बड़ी पोस्ट होती है, तो आदमी भागता। लेकिन उन्होंने मना किया, क्योंकि वो लोग दुनिया के लिए कुछ नहीं करते थे, वो सिर्फ जो सिर्फ आखिरत के लिए करते थे। मना किया, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाया, फिर जाने के लिए तैयार हुए। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप जो है मुझसे कहते हैं कि जाओ तो मैं जाने को तैयार हूँ। तो जब वो जाने लगे, वो जब वो घोड़े पर बैठ गए, तो अल्लाह के रसूल सल्लम खुद, अब देखिए सहाबा का मकाम भी देखिए, अल्लाह के रसूल खुद जो उनकी जो है लगाम पकड़ कर घोड़े की उनको जो है बॉर्डर तक छोड़ने गए। तो उन्होंने कहा भी अल्लाह के रसूल सल्लम आप ऊपर बैठिए, मैं चलता हूँ। बोले नहीं, मैं तुमको छोड़ कर आऊँगा। जब वो छोड़ कर और जब उनको तैयार हो गए जाने के लिए, रकाब पर उन्होंने पेन रखा, तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लम मुझे कुछ, अब मैं जा ही रहा हूँ तो कुछ नसीहत कर दीजिए, आप मुझे कुछ नसीहत कर दीजिए। तो उन्होंने जो है नसीहत कीजिए ताकि मैं जो है जन्नत में चला जाऊँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया कि तूने बहुत बड़ा सवाल कर लिया है, तूने जो है बहुत बड़ा सवाल कर लिया है। तो उन्होंने फरमाया, और सहाबा का यही मामला होता था कि उनका जो भी सवाल होता था किससे ताल्लुक रखता था, जन्नत आखिरत अल्लाह जब में ना पकड़ ले, उसी के मुताबिक वो सवाल किया करते थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया कि तू इबादत कर, तू सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत कर, उसके साथ में किसी को शरीक ना कर, उसके साथ किसी को शरीक ना कर, और नमाज अदा कर, जकात को अदा कर, रोज़े रख, और अगर तेरे पे ताकत है तो तू हज कर, तू हज कर। फिर फरमाया कि मैं तुझे एक भलाई का दरवाज़ा ना बता दूँ, कि एक भलाई का दरवाज़ा ना बता दूँ। तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल बता दीजिए, भलाई का दरवाज़ा मैं जानना चाहता हूँ, आप बता दीजिए। तो वो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि रोज़ा ढाल है जहन्नम से, रोज़े के ताल्लुक से बताया कि रोज़ा ढाल है जहन्नम से, और सदका कर। सदका कौन सा, यानी नफिल। एक तो जकात जो फ़र्ज है हमको देना ही, नहीं तो गुनहगार फराइज है, लेकिन नफिल के लिए उभारा गया कि तू सदका कर, यानी और भी खर्च कर अल्लाह की राह में जकात के अलावा, और रात के आखिरी हिस्से के अंदर नमाज पढ़, यानी ये भी नफिल के लिए उभारा, यानी कि पाँच वक्त की नमाज पढ़। वो तो पहले फरमा दिया कि तू ये काम कर, लेकिन एक्स्ट्रा बताया, क्योंकि ये दरवाज़ा बताया कि तुझे भलाई का दरवाज़ा ना बतला दूँ, तो भलाई का दरवाज़ा नफल से निकलता है, या वो नफल नमाज हो, नफिल रोज़े हो, या नफिल जो है सदकात खेरा, तो जो खर्च करना है, एक्स्ट्रा खर्च करना है, तो तू नफिल पढ़। और तुझे मैं जो दीन का सर और उसका सुतून और उसकी बुलंदी ना बता दूँ, तो उन्हें कहा अल्लाह के रसूल ज़रूर बताइए कि उसका सर, उसका सुतून, उसकी बुलंदी क्या है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन का सर इस्लाम है, दीन का जो सर है वो इस्लाम है, यानी टॉप जो चीज़ है वो इस्लाम है, और इसका सुतून नमाज है। देखिए किस पे टिका हुआ है दीन, इसकी जो सुतून क्या है, नमाज। अगर नमाज कोई अदा नहीं करता तो यह क्या कर रहा है, वो सुतून ढा रहा है, यानी इस्लाम को गिराने की कोशिश वो कर रहा है, तो उसका सुतून है। और अल्लाह की राह में, और बुलंदी ये है इसका कि अल्लाह की राह में जिहाद कर, इसकी बुलंदी क्या है, इंतहा क्या है, कि अल्लाह की राह में जिहाद कर। और मैं क्या तुझे कोई ऐसी बात ना बता दूँ जिसका इन सब चीज़ों का दारो मदार उस चीज़ पर है। देखिए अब कितना सारा बताया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले फ़राइज़ बताया, फिर जो है नफिल चीज़ें बतलाई, फिर कहा कि मैं और चीज़ें ना बतला दूँ जो जिसका दारो मदार जो इन चीज़ों, यानी जो बयान किया गया जो सारा दारो मदार उस पर है, वो क्या है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िबान को निकाल कर हाथों से पकड़ कर बताया कि जबान को पकड़ कर बताया कि इसको काबू में रख, ये जो है इन सब की बुनियाद, यानी जितने जो फराइज बताए गए, नफिल बताए गए, इसकी बुनियाद क्या है, जुबान। तो इसको काबू में रख। तो अब देखिए, तो अब इससे हमको मालूम होता है कि बुनियाद क्या हो गई, इस्लाम की जुबान हो गई, ये सारी चीज़ें जो जुबान पर डिपेंड है। तो ये जो है जुबान जो है इस्लाम की बुनियाद भी है। और सहाबी जो है क्या करते थे जबान के बारे में भी, तो वो जो सहाबी थे तो कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लम क्या इतना सारा बताया, तो उन्होंने कहा ये तो सब मैं करता हूँ, और ये नफिल करने के लिए भी तैयार हो गए। लेकिन उनको ये अजीब बात लगी कि जबान के ताल्लुक से कि इसका सारा बुनियाद उस पर, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लम क्या हम जबान के बारे में भी पकड़ाए जाएंगे, कि जबान के बारे में हमसे पूछा जाना है। तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया कि माँ तेरी माँ जो है तुझे गुम पाए, ये मुहावरा है, मुहावरातन जो है अरबी में कहा जाता है, कि तेरी माँ तुझे गुम पाए, जहन्नम में लोगों के
इनकी जुबान की काटी हुई खेतियाँ ही तो है जो उनको मुंह के बल घसीट कर उनको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। यानी जो उसका बोला हुआ है उसकी वजह से उसको देखिए जहन्नम के अंदर अलग अलग तरीके से लोगों को फेंका जाना है। किसी को तो उठाकर आता ही नहीं, इनको उठाकर फेंक दिया जाएगा तो सीधे जहन्नम में जाकर गिरेगी। किसी को जो है घसीट कर ले जाया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। लेकिन किसी को मुँह के बल अगर घेट तो ये सबसे इंतहाई जो है घटिया किस्म है उसकी, यानी बेइज्जती की सबसे घटिया किस्म है कि किसी को पैरों से पकड़कर उसके मुंह के बल उसको घसीट कर जाए उसके बाद जहन्नम में डाला जाए। तो जुबान के ताल्लुक से फरमाया कि ये जो इसकी जुबान की जो खेतियाँ हैं जो करते हैं जो बोते हैं, क्योंकि हम इससे क्या करते हैं जो बोलते हैं यानी हम बीज बोते हैं और वही फसल उगती है। फिर आपने बुरा बोला तो वही चीज़ निकलेगी, अच्छे बोलेंगे तो अच्छी फसल निकलेगी। तो ये जो खेतियाँ हैं ये जो उगेंगी तो इसी की वजह से लोग जो है उनको मुँह के बल घसीट कर उसमें डाल दिया जाएगा। और इसके ताल्लुक से जो है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे, सही तिर्मिज़ी की रिवायत है हदीस नंबर 2459, कि अपने आप का मुहासबा कर लो इससे पहले कि तुम्हारा मुहासबा हो, यानी अपने आप का हिसाब किताब तुम खुद कर लो इससे पहले कि रोज़े क़यामत तुम्हारा हिसाब किताब हो। तो बोलने के अंदर भी तुम ध्यान रखो क्या बोल रहे हो और क्या तुम्हारा जो है लिखा जा रहा है। तो जो लोग अकलमंद होते हैं वो क्या करते हैं, कम बोलते हैं। अकलमंद आदमी कम बोलता है और कम बोलने वाले आदमी से लोग घबराते भी हैं कि यार ये कम बोलता है, उसको सीरियसली भी लेते हैं लोग। लेकिन ज़्यादा बोलने वाले से आदमी कहता है ये तो बोलता ही रहता है तो उसकी बात को लोग तवज्जो नहीं देते। तो जबान से मालूम होता है, और जबान ऐसी चीज़ है जिससे मालूम हो जाता है आदमी कैसा है, उसके बारे में मालूम भी पड़ जाता है। जबान से ही पता चलता है, बात करता आदमी कहता है यार बड़ा अच्छी, इससे तो बात करने का मन करता है, वो चाहते हैं कि हम इसकी और बात करें। लेकिन जो बुरा होता है तो कहता है इससे बात करना ही बेकार है। तो जबान से जो है इंसान की शख्सियत भी मालूम पड़ती है। तो हम भी जो है आपस में बातचीत करते हैं तो उससे जो है मालूम पड़ता है कि इसकी ज़बान कैसी है। और जो है ज़बान का हमको सोच समझ कर जो है इस्तेमाल हमको करना चाहिए। इसी तरह जो है सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक बंदा अपनी ज़ुबान से एक बात कहता है, एक बंदा अपनी ज़ुबान से एक बात कहता है और अल्लाह को अल्लाह की खुशनुदी के लिए, तो अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद कर देता है। यानी ज़ुबान से जैसे ही वो अच्छी बात कहता है अल्लाह की तारीफ़ बयान करता है और यह इंसानी बात करता है जिसको फ़ायदा होता है, तो अल्लाह फिर क्या करता है उसके दर्जात को बुलंद करता है। यानी बोलने से उसके दर्जात बुलंद हो जाते हैं अगर वो अच्छी बात बोलता है। लेकिन कोई बुरी बात कहता है और उसको एहसास भी नहीं होता, वो उसका ठिकाना जहन्नम बन जाता है। यानी ज़्यादा बोलने वाला क्या होता है कि वो बोलने बोलने के अंदर आगे निकल जाता है, ग्लू भर जाता है, तो फिर क्या होता है उसका ठिकाना जहन्नम बन जाता है। और उसको पता भी नहीं होता कि इस बात की रूह कब मालूम पड़ेगा, रोज़े क़यामत और फलां बात वाकई मैंने गलत बोल दी। तो इसलिए अपनी ज़ुबान से हमेशा पनाह भी मांगते रहना चाहिए। ज़ुबान की जो खताएँ तो हमको रोज़ इसकी जो है रोज़ तौबा करनी चाहिए, हर वक्त इसकी तौबा करनी चाहिए, ताकि हमको मालूम ही नहीं कि अल्लाह जो निकल गया, जो जाने अनजाने में निकल गया तो अल्लाह उसको तो माफ़ कर। तो ये है कि हमको मालूम भी नहीं होगा, तो इसलिए हमको क्या चाहिए कि मजाक के अंदर भी, इसलिए कहा गया कि मजाक के अंदर भी तुम झूठ ना बोलो। क्योंकि आदमी मजाक के अंदर झूठ बोलने लगता है, ये चीज़ें करने लगता है, तो फिर क्या होता है कि वो अल्लाह की नाराज़गी का सबब बन जाता है। और झूठ भी किससे बोला जाता है, ज़ुबान से बोला जाता है, तो ये भी ज़ुबान का इसमें तो वो। और किसी जो जब दीन की बात बताई जा रही है, शरीयत की बात बताई जा रही है, कुरान की कोई बात बताई जा रही है, हदीस की कोई बात बताई जा रही है, सहाबा की कोई बात बताई जा रही है, सलफ के कोई अकवाल नकल किए जा रहे हैं, लेकिन हमारी अकल उसको समझ नहीं पा रही, तो हम क्या करें कि उस वक्त हमको समझ भी नहीं आ रहा तो हम क्या करें, खामोश हो जाए, ये सबसे बेहतर है। ये नहीं कि हम भाई ये तो हमको समझ ही नहीं आ रहा, ये देखो कुरान में ये आ रहा, हदीस में ये आ रहा, ये बात कह रहे हैं, तो उनको समझ भी नहीं आ रहा तो आपको समझ भी नहीं आ रहा, तो समझने की कोशिश करें। लेकिन आपने अगर उसको इनकार कर दिया तो क्या हो जाता है, दीन की शरीयत की बात को इनकार करना कुफ्र हो जाता है, तो ये हमारी पकड़ का सबब भी बन जाता है, बन सकता है। और इसी तरह जो हम देखें सुनन तिर्मिज़ी की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया हदीस नंबर 2616 के, वही हदीस है जिसके ताल्लुक से फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लम के उनको बताए कि मांस जबान को पकड़ो कि इसको काबू में रख, इसकी वजह से ज़्यादा लोग जहन्नम में जाएंगे, ज़्यादा लोग इसकी वजह से जहन्नम में जाएंगे। तो जबान से जो है इंसान जहन्नम में जाने का बाइस भी बन सकता है। सहाबा इस हद तक इससे जो करा वो करते थे, तो पनाह मांगते थे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, उनके ताल्लुक से आता है कि वो कई बार ऐसा किया करते थे कि अपनी जबान को बाहर निकालते और चराग होता चराग चराग के पास में ले जाते, तो किसी सहाबा ने उनको देख लिया और जाकर उन जो है हज़रत उमर को कहा कि मैंने जो है अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को दो तीन मरतबा देखा कि वो क्या करते हैं कि बार बार अपनी जुबान को निकालते और चराग के पास में ले जाते। तो
حضرت عمر ان کے پاس میں گئے, جا کر انہوں نے دیکھا کہ واقعی ایسا وہ کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ابو بکر تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ زبان ہے جس کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں, میں اس کو جلانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ کو تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ تو آپ وہ شخصیت ہیں جن کو آٹھوں دروازوں سے بلایا جائے گا. ان کے لیے تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دی کہ آٹھ دروازے سے بلایا جائے گا, لیکن اس کے باوجود بھی کیا کر رہے ہیں, وہ اتنا اس سے جو ہے گھبرا رہے ہیں, اتنا اس سے گھبرا رہے ہیں کہ جو ہے اس کو پھر جلانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے. اور زبان جو ہے, زبان ہی کی وجہ سے انسان کیا کرتا ہے, زبان ہی کی وجہ سے انسان شرک کرتا ہے. شرک کس سے ہوتا ہے؟ شرک کس سے ہوتا ہے؟ زبان سے ہوتا ہے, کیونکہ وہ انکار کر دیتا ہے اللہ کا, اس کی عبادت کا, تو وہ یہ بھی زبان کی اس سے ہی ہوتا ہے. تو زبان کا استعمال جو ہے صحیح کرنا چاہیے. زبان کا استعمال جو ہے تین طریقے سے زبان کا استعمال ہوتا ہے, جس میں سے ایک صحیح ہے اور دو جو ہے حرام. ایک کیا ہے کہ زبان کا استعمال جو وہ باتیں کرتا ہے, ایک انسان بات کرتا ہے تو یا تو وہ دین کی بات کرتا ہے جس سے دین کو فائدہ پہنچتا ہے, لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے, اس کی لوگوں سنتے ہیں تو آخرت میں لوگوں کو اس سے فائدہ ملتا ہے. دوسرا وہ جو ہے دنیاوی بات کرتا ہے جو دنیاوی انسان کو دنیاوی چیزوں میں فائدہ اس کو دیتا ہے, تو یہ جو ہے اس کا بہترین استعمال ہے زبان کا. دوسرا استعمال کہ دین اور دنیا کو دونوں کو نقصان کرنے والی بات کرتا ہے, یعنی وہ دین میں بھی کوئی کام کی نہیں اور دنیا کے اندر بھی کوئی کام کی نہیں. اور جو ہے وہ تیسرا یہ ہے کہ وہ فالتو بات کرتا ہے جس سے جو نقصان تو نہیں ہوتا. ایک آدمی تو کیا ہے کہ دین اس کو سمجھ میں نہیں آتا تو وہ دین کے بارے میں غلط بولتا ہے, ایک جو دنیا میں کچھ دنیا کے بارے میں بھی غلط بولتا ہے تو وہ جو ہے نقصان کر رہا ہے, بری بات کر رہا ہے دونوں میں. لیکن ایک آدمی جو ہے نہ تو وہ ایسی بات کرتا ہے کہ جس سے دین کو کوئی نقصان ہوتا ہے, نہ ایسی بات کرتا ہے کہ دنیا کو نقصان ہے, لیکن فالتو بات کرتا ہے, لگو بات کرتا ہے, جو یوز لیس بات, جس کا کوئی جو ہے پتہ ٹھکانا کچھ بھی نہیں, ایسی بول رہا ہے بڑبڑا, تو وہ بھی بیکار ہے, وہ بھی بیکار ہے کیونکہ کسی کا کوئی فائدہ ہی نہیں. تو یہ دو استعمال, اس کا ایک ہی استعمال صحیح ہے کہ دین کے لیے یا دنیا کے فائدے کے لیے بات کرے تو وہی فائدہ, باقی یہ دونوں جو ہے یہ حرام ہے, اس کے اندر بیکار باتیں ہیں. تو زبان جو ہے جو, اور زبان کا تعلق جو ہے سیدھا ہر چیز اگر ہم دیکھیں تو کئی کئی بڑی چیزوں کی وجہ صرف زبان ہے, زبان اس کی وجہ بنتی ہے. جو سیدھا نقصان ہوتا ہے کس چیز سے, جھوٹ بولنا, یہ کس سے بولتا ہے؟ زبان سے بولتا ہے. اور غیبت کس سے ہوتی ہے؟ زبان سے ہوتی ہے. جھوٹی گواہی دینا کس سے ہوتی ہے؟ یہ بھی زبان سے ہوتا ہے. جھوٹے الزام لگانا, برائی کرنا, حسد کرنا, یہ سب چیزوں میں کیا ہوتا ہے؟ زبان کا استعمال ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے زبان کی وجہ. اور یہ جو ہے سب سے عام بیماری اگر ہم دیکھیں تو عام بیماری کیا ہے؟ غیبت. سب سے عام بیماری ہے آج غیبت کرنا. اور غیبت کے تعلق سے ہم دیکھیں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو ہے صحابی سے فرمایا کہ غیبت کہ اپنے بھائی کا ذکر تو ایسے کر اس کے پیٹھ پیچھے کہ وہ سامنے ہو تو اس کو برا لگے, تو یہ غیبت ہے. تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز اس میں ہو تو, تو بولے وہ ہے تبھی تو غیبت ہے, اور اگر نہ ہو تو پھر یہ تو اس پر الزام لگانا ہوا جھوٹا. تو ہے تب بھی تو سامنے بولا جائے برا لگے تو اس کو غیبت کہا جاتا ہے. وہ غیبت کے تعلق سے تو اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا, سورہ حجرات 150 آیت نمبر 12 میں اللہ فرماتا ہے, اے ایمان والو تم بہت بدگمانی سے بچو, اور بدباز بدگمانیاں گناہ ہیں, اور لوگوں تم جو ہے لوگوں کے بھید نہ ٹٹولو, ان کے راز نہ ٹٹولو, اور تم میں سے کوئی کیا کوئی کسی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. کیا کوئی تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ ہرگز تم پسند نہیں کرو گے, تم کو کیا ہوگا؟ گن آئے گی, تم کو گن آئے گی. تو پھر کیا ہوگا؟ وتق اللہ, کہ تم اللہ سے ڈرو, پھر تم اللہ سے ڈر جاؤ. تو یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ عام بیماری غیبت سے, اور خاص کر جو ہے خواتین جو اس سے, ان کو خاص دھیان دینا چاہیے کہ اس سے غیبت سے وہ بچے. اسی طرح جو ہے ابو داؤد کی روایت ہے, اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث نمبر 4878 کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ ان کو دکھلایا گیا, معراج پر جب اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا, وہاں پر جب انہوں نے جا کر دیکھا جہنم کا مرحلہ, تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ تھے جن کے ناخن پیتل کے بنے ہوئے تھے, یعنی ان کے ناخن انتہائی بڑے بڑے تھے, وہ پیتل کے بنے ہوئے تھے, اور وہ اپنے آپ کو نوچ رہے تھے, یعنی اپنے چہرے کو اور اپنے جسم کو نوچ رہے تھے اس سے. تو جو ہے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو ہے جبریل یہ کیا ہے, یہ کون لوگ ہیں اور کیوں اپنے آپ کو نوچ رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھایا کرتے تھے. تو ان کا گوشت کھایا کرتے تھے؟ بولے ہاں. یہ کیا کرتے تھے کہ اپنے بھائیوں کے پیٹھ پیچھے برائیاں کیا کرتے تھے, غیبت کیا کرتے تھے. تو ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو ہی نوچ رہے ہیں, یعنی ان کے ناخن پیتل کے کر دیے گئے. تو انتہائی جو اس کے لیے یہ وہی سنائی گئی ہے. تو جو کیونکہ لوگ جو ہے عزت
किससे जुबान से लोगों की इज्जत उतार देते हैं। जुबान क्या है, किसी को इज्जत दे भी सकती है और एक जुमला किसी की इज्जत उतार भी सकता है। तो इंतहा इसका जो इस्तेमाल सही करना चाहिए। इस तरह सही बुखारी की रिवायत हदीस नंबर 1371, अल्लाह के रसूल वसल्लम ने फरमाया कि दो लोगों को कब्र का अजाब दिया जा रहा था, अल्लाह के रसूल को दिखाया गया जब उनका जो है एक कब्रिस्तान से गुजर हुआ, तो अल्लाह के रसूल फरमाते कि इन दो लोगों को कब्र का अजाब दिया जा रहा है। और किसकी वजह से दिया जा रहा है, कोई इन्होंने क्या बहुत बड़ा काम किया, क्या शिर्क कर दिया था उन्होंने, क्या इबादत छोड़ दी थी, किसकी वजह से दिया जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ कि ये इसमें से एक आदमी चुगली किया करता था। गीबत और चुगली, गीबत क्या होती है, किसी की पीठ पीछे बुराई करना। चुगली क्या होती है, दो लोगों का आपस में लड़ाना, यानी उसके बारे में उसको जाहिर करना है कि वो भाई हो तेरे लिए तो ऐसा वो कह रहा था, यानी दोनों के अंदर नफरत पैदा करना, उनकी लड़ाई करना, ये चुगली। तो चुगलखोर था तो उसको कब्र में अजाब दिया जा रहा था, और एक जो पेशाब के जो छींटों से बचता नहीं था तारत के अंदर, तो उसको अजाब दिया जा रहा था। तो इसको हमको ज़रूरी है कि हम इंतहा इसको बचें इससे। और ख़ास कर जो है इसके अंदर औरतें, इसमें ख़ास जो है ख्वातीन को ख़ास ध्यान देने की, क्योंकि इनको जो है इतना वो रहता है कि अगर औरत है तो बात ज़्यादा करती हैं, हालांकि अल्लाह ने बोलने की सलाहियत दी है उनको, तो बात जो है ज़्यादा करती है, लेकिन बात जो क्या होती है बेजा करती है, और वो उसमें थोड़ी सी देर होगी और निकल जाएगी। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि दीनी मजलिस भी अगर होती है, औरतों की दीनी मजलिस सजी हुई है, और दीनी मजलिस शुरू होती है और उसके बाद एक 5 मिनट चलती है, और उसके बाद में तो उस दीनी मजलिस में से भी लुकात निकाल लेते हैं वो किस तरह से बुराई की जाए। तो उनको ख़ास उसके अंदर जो है तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो भी इसके अंदर जो है किसी को भी बोल देना कि ये तो काली है, ये तो टिंगनी है, हालांकि वो काली है, हालांकि वो टिंगनी है, कि ये तो जो है बुरी है, तो हालांकि वो है, इसके दांत जो है बेकार लगते हैं, दांत बाहर है, हाँ उसके दांत बाहर है, लेकिन क्या है वो वाकई में है, लेकिन वही तो गिबत है, क्योंकि उसके सामने आप बोलेंगे काली तो बुरा लगेगा, ये टिंगी तो बुरा लगेगा, ये तेरे दांत बाहर है दांतली इसको बोलेंगे बुरा लगेगा, तो लगेगा मतलब क्या होगा कि यही गिबत। तो इनसे इंतहाई बचने की ज़रूरत है। और जो है इसके ताल्लुक से हम देखें, ये अबू दाऊद की रिवायत है जिसमें आता है कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला के ताल्लुक से क्या कह दिया, कि ये जो है इशारा किया सिर्फ कि अल्लाह के रसूल सल्लम ये जो है ऐसी है, अगर ऐसी होती तो क्या कहा कि आयशा तेरे जो है ऐसा बात बोल दी, कि अगर तेरी इस बात को दरिया के पानी के अंदर घोल दिया जाए तो पूरे पानी को यह कड़वा कर सकता, यानी ऐसी बात है। तो आज हम देखते हैं कि इसको तो ऐसा हो गया कि चूर्ण है, ये जो लोगों का चूर्ण बन गया, कौन सा गीबत चुगली करना, क्योंकि इनको इसके बगैर खाना हजम नहीं होता। आप देखिए इससे जो है मोहल्ले के अंदर औरतें काम वाम उन्होंने कर दिया, सब काम उनका हो गया, सबने खाना खा लिया, तो शोहर भी क्या होता है चलो पान खाएंगे, तो पान की दुकान पर चला गया, कोई जो है सोडा ठंडा पीने चला गया, वहाँ पर जब 5-7 जने मिल गए, वो क्या हुआ भाई उसका तेरा, वो तो उसका बता रहा था पड़ोसन का क्या हुआ, वो उसकी जो है बेटी भाग गई थी उसका क्या हुआ, अब ये देखिए अब वहाँ पर वो सिर्फ, तो उनको क्या नींद नहीं आएगी इसके बगैर, तो चूरन है वो, ख्वातीन भी फ्री होकर सब बैठ गई और उसमें वो, तो बात तो बेजा बात, और फिर ये क्या होता है गीबत होती है और नुकसानदायक, तो इसको जो है चूरन की तरह इस्तेमाल इसका हम ना करें। और इसके अंदर जो इतना ये इंतहाई ऐसा मामला है कि इससे जो है खास क्या, खास भी बाकी नहीं, आम तो आम है ठीक है, आम लोग तो करते हैं बात, लेकिन खवास जो खास है जो बड़े हैं वो भी इससे जो है पाक नहीं है, वो भी जो है एक दूसरे के दूसरे किसी की जो है दूसरे आलिम की बुराई करना, अरे फलां वो है वो जमात वाले वो ऐसा करते हैं, उनके उसमें ये लिखा उसने ये कह दिया, बल्कि जो मर गए उन फौतशुदा लोगों के बारे में बुरे बोलते रहते हैं। लेकिन मना फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मुर्दों के बारे में बुरा मत कहो, कि उनके अमाल को पहुँच चुके हैं, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं, उनका हिसाब किताब हो चुका, लेकिन उनके बारे में बुला बोलते हैं। तो किसी पर जो है ये चीज़ें भी नहीं करनी चाहिए। इसके अंदर हम देखते हैं इसमें आज जो खास और आम दोनों इसमें शामिल है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया कि चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा, यानी चुगलखोरी करने वाला तो जन्नत में जाएगा ही नहीं, और जिसके ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दे तो जाहिर सी बात है वो तो जा ही नहीं सकता। तो हम ये देखते हैं। तो और इसी तरह जो इल्ज़ाम लगाना कि फ़लाँ ऐसा है, अपने हिसाब से फतावे देना, जिस तरह हम देखते हैं ना लोग आज फतावे लेकर घूमते जेब में, ज़रा सा कुछ हुआ नहीं कि फतावे देना चालू शुरू कर देते, तो ये जो है गलत चीज़ है और उसको नहीं करना चाहिए। इसके ताल्लुक से जो है तोहमत लगाने के ताल्लुक से अल्लाह ने कुरान में फरमाया सूरह नूर 24:23 में अल्लाह फरमाता है कि जो लोग पाक दामन और भोली भाली औरतों पर तोहमत लगाते हैं दुनिया और आखिरत के अंदर, ये मलून है और उनके लिए बड़ा अजाब है, यानी लानत कर दी अल्लाह ने ऐसे लोगों पर जो भोली भाली औरतों पर। तो इसके अंदर मर्द भी है शामिल, जो कुरान की जो बात आती है वो मर्द औरत दोनों के लिए होती है, खास होती है तो अल्लाह खुद कहता है और ख़ास खिताब करता है औरतों के ताल्लुक से, और जहाँ मर्द की बात होती है तो उनके लिए खिताब करता है। तो उमूमन जो है आम बात है, इसके अंदर दोनों शामिल है।
तो यहाँ सबसे ज़्यादा हमको इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि फलां शख्स को हम ये ना कहते, नहीं तो हमारे ये होता है कि फलां शख्स को, अरे ये बात नहीं कहता हो, उसने इस चीज़ का कर दिया, ये काफिर, ये मलून, ये लानती, ये मुशरिक, आप फतावा देने वाले कौन होते हैं, उसके दिल में आपने झांक कर देखा। तो ये जो है चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और इसके अंदर हम देखते हैं कि अंदर खास ख्वास भी शामिल है, यानी खास लोग भी शामिल है, और आम लोग जो उनको सुनते हैं तो वो भी फिर ऐसा ही काम करते हैं। तो इससे जो बचने की इंतहा ज़रूरत है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लम ने क्या फरमाया कि जो है अगर कोई किसी को काफिर कहता है, अगर वो काफिर ना हुआ तो वो बात क्या होता है, पलट कर आती है और उसी पर लग जाती है और वो खुद जो है काफिर हो जाता है। और इसी तरह जो ज़ुबान का इस्तेमाल है, और क्या है, झूठ बोलना, ये भी ज़ुबान का इस्तेमाल है। तो इसमें भी ज़ुबान का इस्तेमाल करते हो, तो इसमें सबसे आगे हम देखें तो आज मुसलमान की पहचान आज ही हो चुकी है झूठ बोलना। जबकि सहाबा की पहचान क्या थी, सहाबा की पहचान सच्चाई के लिए पहचाने जाते थे, वो कि ये झूठ ही नहीं बोलते हैं, वो लोग इस वजह से जो है दीन को कबूल किया करते थे। लेकिन आज जो हमारी पहचान क्या है, आज का मुसलमान झूठ से पहचाना जाता है, झूठ, वादा खिलाफी करना, ये और उधार दे दिया तो उसको क्या करना, चक्कर पे चक्कर देना, वादा खिलाफी करना, ये आज हम देखते हैं कि तमाम मामला यही है, वादा करते निभाते नहीं, उधार ले लिया भाई क्या दे देंगे ना भाई, मर थोड़ी रहे, भाग के थोड़ी जा रहे हैं, ये जो अल्फाज वो कहता है, तो ये क्या वादा खिलाफी, आपने कह दिया फिर आप उसको चक्कर पर चक्कर दे रहे हैं, तो ये चीज़ें जो उसके अंदर हो। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अगर उधार ले उसकी नियत ना देने की हो तो चोर है, यानी अगर शरीयती कानून हो तो क्या होगा, चोर कहलाया जाएगा, चोर की सज़ा क्या है, तो उसमें चोर गिना जाता है। और इसी तरह जो है झूठ का ये आलम है, जबकि मुहद्दिसीन इतना एहतियात करते थे कि एक बार जो है किसी ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह को किसी ने कहा कि वो फलां शख्स है, और वो जो क्या है कि वो फलां शख्स के पास में एक हदीस है अल्लाह के रसूल वसल्लम, वो गए सफ़र करके जाकर उन्होंने कहा कि आपके पास फलां हदीस है, तो उन्होंने कहा, लेकिन जाकर उन्होंने क्या हुआ, पहले उसने देखा कि वो शख्स है, किसी ने पूछा उन्होंने क्या कि वो शख्स है, तो वो क्या हुआ कि एक जानवर को बुला रहा था, यानी उसका पालतू जानवर था, उसको बुला रहा था कि दे देना, जानवर को बुलाते हैं, तो इसे वो बुला रहा था, उन्होंने कहा कि तू इसको बुला रहा था कि वाकई में तो खाने को तेरे हाथ में कुछ है, बोले नहीं है, मैं तो सिर्फ इसको बुला रहा था, आ नहीं रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैं तेरी जो है हदीस नहीं लूँगा, क्यों, क्योंकि तू जानवर से झूठ बोलता है तो इंसान से भी बोल सकता है। तो मुहद्दिसीन इस हद तक जो है झूठ से परहेज करते थे, यानी जानवर से झूठ बोलने वाले की बात भी नहीं लेते थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि आम है, और इतना आम है कि छोटी छोटी बातों पर जो है लोग झूठ बोलते हैं। ख्वातीन खास उसके अंदर, अगर कि ख्वातीन एक अच्छा कपड़ा लेकर आ गई, सेंडल लेकर आ गई, चूड़ी कोई बक्खल अच्छा ले लिया, उससे पूछ ले कहाँ से लाई, नहीं नहीं वो तो फलां जो है हमारे वो गए थे दुबई, वो फलां मुंबई गए थे वहाँ से लेकर आए फलां जगह, अरे भाई वो ले आएगी क्या होगा उससे, बोले नहीं एक जैसा नहीं होना, लेटेस्ट अपने पास होना, एंटीक होना चाहिए अपने पास होना, तो क्यों झूठ बोल रहे हैं आप उसके लिए, इतनी छोटी बात के लिए, कपड़ों के लिए, कंगन के लिए, चूड़ी बक्खल के लिए झूठ बोलना। तो हम देखते हैं कि आम चीज़ है, आम एक दूसरे को बताने को तैयार नहीं, यानी झूठ उसके लिए बोल दिए जाते हैं, इतने झूठ को बोलते हैं। और झूठ बोलना क्या है, ये मुनाफिक की सिफत है, झूठ बोलना मुनाफिक की सिफत है, तो मुनाफिक के अंदर सिफत उसके अंदर आती है। और इसी तरह झूठी गवाही देना, झूठी गवाही हम देखते हैं कि आम, या फिर झूठे आम, तो झूठी गवाही तो ऐसा आम हो गया है कि आप अगर कोर्ट में जाएंगे अदालत में, और आप वहाँ पर लोग जो आपको मिल जाएंगे, वहाँ रहते हैं पेड लोग बैठे रहते हैं, बोले क्या, बोले फला फला जमीन का मसला, बोले गवाह चाहिए, तो वो कहता है इतने पैसे लगेंगे गवाही दे दूंगा मैं, वहाँ मौजूद था झगड़े के वक्त, वो के भी देता है, यहाँ तक कि कत्ल गारतगिरी के मामले के अंदर भी मिल जाएंगे, बड़ा अरे तो कत्ल का मामला बड़ा गवाह लगे तो बड़े गवाह को बुलाओ, तो उसको बोलना भी आता है, वो जीरा भी कर सकता है कि मैं ये था, पूरी स्टोरी बयान करता, तो मतलब उसके फिर कीमत अलग होती है। तो आज ये मामला आज हम देखते हैं तो ये हो चुका है। और जबकि मजाक में झूठ बोलना भी मना है, कि मजाक में भी झूठ बोला, हम देखते हैं कि मजाक में आज लोग चुटकुल्ले शेयर कर रहे हैं, एक सरदार था कहाँ था, वो किसी कम्युनिटी का आप कैसे मजाक उड़ा सकते हैं, अगर कोई कहे कि एक मुल्ला था तो आपको फिर बुरा लगेगा, भाई हमारे बारे में ऐसे कहते हो तुम, तो आप फिर क्यों उनके दूसरे की कौम का आप मजाक उड़ाते हैं, और लोग तो भाई इसको सब्सक्राइब करते हैं, बड़े बड़े होता है लाफ्टर चैलेंज, क्यों झूठ बोल बोल के हंसाया जाएगा। तो आज तो मरहला हम देखते हैं तो इस हद तक इसमें पहुंच गया। और सोशल मीडिया इसके अंदर आज देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा इसको हमको एहतियात करने की ज़रूरत है। यहाँ तो ये होता है कि एक आदमी को कुछ झूठ मजाक चुटकुला में सुना दिया तो उसकी हद तक, लेकिन यहाँ इतना बड़ा मसला है सोशल मीडिया के ऊपर, एक उसने अगर झूठ बोल दिया उस पर चला दिया तो वो नहीं जानता उसकी, वो अनलेस उसकी लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड है, वो कहाँ तक जाएगा वो खुद भी उसको मालूम नहीं, वो यहाँ से भेजता है इंडिया से वो अमेरिका तक और पूरी दुनिया के अंदर वो घूम जाएगा, एक झूठ उसका, इसको किसी ने किया हो सकता है कि आपको नहीं, बोले मेरे फैंस, मेरे तो फेसबुक पर इतने जो है फैंस नहीं है, 100-200 हैं,
लेकिन 100-200 है, लेकिन 100-200 के अंदर एक आदमी ऐसा है कि आपकी उस बात को लेकर उसके पास इतना बड़ा चैनल है कि उसने उसको फॉरवर्ड कर दिया, आप देखिए पूरी दुनिया में फैल जाएगा, तो वो सारा गुना आपके ऊपर होता है। तो इंतिया इसको ज़रूरत है कि इसका इस्तेमाल हम करें, तो सही चीज़ के लिए हम इसका इस्तेमाल करें। और इसी तरह जबान की और क्या है, जबान के कहाँ पर हम इसकी हिफाजत हमको करने की ज़रूरत है, तो जबान को अफवाह फैलाना, अफवाह फैलाने के अंदर जबान का सबसे बड़ा है। और अफवाह क्या होता है, अफवाह हम देखते हैं बड़े बड़े नुकसान करती है अफवाह, अफवाह की वजह से आज देखें, आज के ताल्लुक से हम देखें अफवाह, सिर्फ सोशल मीडिया की अफवाह की वजह से कि बच्चा चोर है, बच्चा चोर, हम देखें कितने लोगों को उसके कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया, किसी सोशल मीडिया पर से अफवाह चल रही है। और अफवाह ऐसी होती है, अफवाह अगर जो है ऐसी ही फैलाई जाती है, कोई चीज़ किसी के यहाँ पर निकली, छोटा सा कुछ निकल जाए, भी यहाँ पर सांप निकल जाए, बोले यार वहाँ दर्श में गए थे सांप निकला, तो घंटा घर बोला और ये दर्श में गए थे सांप निकला, फिर थोड़ा सा मंडी गेट पहुँचा बोले वहाँ गए थे तो सांप निकला, तो बड़ा हो गया, और फिर और आगे चले जाएंगे खानपुरा बोले वो अजदा निकला वहाँ पर, तो इतनी ये क्या होता है अफवाह, आदमी इंसान अपनी तरफ से बढ़ाता जाता है, तो अफवाह बहुत जल्दी चलती है और इसमें शैतान इसके अंदर बहुत साथ देता है, उसको बड़ा बड़ा चलाकर बताता है और ये इंसान के लिए बहुत नुकसानदायक, तो इस चीज़ से भी इसको बचने की हमको इसको ज़रूरत है। इसी तरह जो जुबान का जो इस्तेमाल, लेकिन किसमें हम ध्यान रखें, तो ये ताना कसी करने में, ताना ना दे किसी को, ताना देने के लिए भी जो है इसके ऊपर जो है वही दे सुनाई गई है कि किसी को तुम ताना ना कहो, बुरा भला ना कहो, चाहे वो मुर्दा हो तो मुर्दे को भी ना कहो, ये वही चीज़ अल्लाह के रसूल ने फरमाई कि मुर्दों को भी बुरा बुरा ना कहो। और जो ये सही बुखारी की रिवायत है, और हम देखते हैं कि और उसके अंदर फिर मुसलमान को बुरा मत कहो, ये भी एक हदीस में मिलता है अलग से कि तुम मुसलमान को बुरा ना कहो, उसको ताना ना दो, तो ये और ज़्यादा बड़ा गुनाह इसके अंदर होता है। इसी तरह जो अल्लाह के रसूल सल्लम ने और भी चीज़ें बतलाई कि हवाओं को बुरा ना कहो, जवाने को बुरा ना कहो, गाली गलोच को गाली गलोच ना करो, ये भी क्या होता है जुबान से होती है, सारी चीज़ें जुबान से होती है। हवा को बुरा कहना अल्लाह ने मना फरमाए, क्यों, हवा अल्लाह के हुक्म से चलती है तो उसको तुम बुरा भला ना कहो। इसी तरह जो है तुम जो है जमाने को बुरा ना कहो, क्यों, जमाना लोग कह देते हैं आप देखिए आप हर आदमी आपको मिल जाएगा दूसरा तीसरा आदमी, वाले जमाना ही खराब है, जमाना बनाया किसने, जमाना अल्लाह ने बनाया, वल असर कसम है जमाने की, अल्लाह ने जमाना बनाया है और जमाने को बुरा कहता है, यानी कि फिर वो अल्लाह की आयत को बुरा कहता है, तो किसी चीज़ को बुरा ना कहे। गाली गलौच, गाली गलौच का तो ऐसा मामला है कि ये जो है मुस्लिम मोहल्लों में ईजाद होती है, फैक्ट्री है वहाँ पर, वो ईजाद करते हैं फलां आपका फलां फलां की फलां, मतलब वो ईजाद करते हैं इन चीज़ों को। और बच्चे जो है लोगों जो है लोग ऐसे गालियाँ तो सिखाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, बच्चा जब बोलने लगता है तो उसकी तोतली आवाज़ अच्छी लगती है, तो उससे जो है वो बल्कि लोगों को बुलाते हैं, देखो ये बच्चा, देखो मेरा बच्चा कैसा बोलता है, बोले बच्चा, बोले बेचा बोल बताओ तो तुत्ते तुत्ते, वो बोल के बता दो उन्हें अच्छा लगा है कुत्ते, अब बड़े होकर बोलता फिर वो कुत्ते, तो बोले कैसा बदतमीज हो गया, तुमने सिखाया बचपन में उसको, तो बचपन में अच्छा लगता है लेकिन वो बड़ा होकर फिर वही चीज़ उसकी सिफत बन जाती है, तो इससे जो इस्तनाब करने की हमको ज़रूरत है। इसी तरह जो अल्लाह के रसूल सल्लम फरमाते हैं गाली और गलौच के ताल्लुक से, बुखारी और मुस्लिम की जो है रिवायत है, अल्लाह के सल्लम ने फरमाया कि जो पहले गाली देना शुरू करे, यानी जो पहले जिसने गाली की शुरुआत, यानी दो लोगों में झगड़ा हुआ किसी बात पर, तनातनी हुई, और अगर जिसने पहले गाली देने की शुरुआत की तो दोनों का गुनाह उस पहले वाले पर ही शुरू उसने किया, बाद वाला फिर गाली देगा ना उसके बदले में, तो उसका गुनाह उसको पढ़ने वाला जिसने शुरू किया, क्योंकि शुरू उसने किया तब जाकर इसने उसके जवाब में गाली दी, तो गुनाह उसके पास में जाता है। तो अब इसका मतलब ये भी नहीं कि हम कहें कि भाई तू एक बार तू दे दे बस, अब तू दे दे बस उसके बाद देख मैं क्या करता हूँ, तो मतलब नहीं यार, तो उकसाना हुआ तभी तो फिर डबल गुना हो जाएगा, उकसा के दिल में गाली इसे, तो उकसाना भी नहीं है उसको। तो और इसी तरह जो है किसी को बुरे नाम ना देना, ये मना फरमाया अल्लाह ने कुरान के अंदर, किसी को बुरे अलकाब ना दो, बुरे अलकाब से उनको ना पुकारो। और जो है बुरे अलकाब हम क्या करते हैं, और बुरे अलकाब आमतौर पर क्या लोग क्या करते हैं, किसको देते हैं मालूम, जो आदमी कमज़ोर होता है उसको ही देता है बुरे अलकाब, देते हम किसी का नाम रख दिए कालू, अब वो आदमी बुरा लगता है, वो काला है वो, उसको बुरा रखता है, तो उसको भी लोग कोई टिंगना है उसको, ये छोटू ए टिंगू, तब अब वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बेचारा कमज़ोर है इसलिए कहते हैं, अब उसको बुरा लगता है। अब हाँ कोई आदमी अगर इसको बुरा नहीं लगता कि नहीं मुझे पसंद है टिंगू कोई कह दे, कोई पसंद है मुझे कालू कह दे, तो ठीक है उसको नहीं लगता तो मसला अलग, लेकिन उसको जो है क्या है कि बुरा लगता है, तो फिर आप उसको फिर क्या होगा, ये लकब देना हो गया। वो लकब जो है कब देता है इंसान जिसको कमज़ोर समझता है, पहलवान को तो कोई नहीं देता, जिसमें वो बड़ा है पैसे वाला है तो उसको तो नहीं कहेगा कोई आदमी, उसको तो कोई बोलेगा ही नहीं जाके, भाई काला होने लंगड़ा हो तो भी नहीं कहेगा उसको क्या लंगड़ा, क्यों भाई पैसे वाला है, अभी जो रिपोर्ट कर देगा, या पहलवान को कोई भी नहीं बोलेगा जाकर, पहलवान अगर मोटा है दिख रहा है जिसमें से हैवी है कलर सुनिएगा, ये मोटा है क्यों, बोले अभी ये क्या कर देगा मुँह ना केक कर देगा, तो कमज़ोर को बोलता है
تو کسی کو کسی کو جو ہے بری لقب دینا یہ منع فرمایا قرآن کے اندر اللہ نے. اور اسی طرح جو ہے خود پسندی, یہ بھی زبان کا ایک عمل ہے. خود پسندی کہنا ہے اپنے منہ میاں مٹھو بھرنا, یہ بھی انسان نہ کرے. یعنی خود پسندی کیا ہوتی ہے, یہ بھی اللہ کو ناپسند ہے کہ یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ نظم کے اندر کہ تم اپنی آپ کی بیان جو پاکی بیان نہ کرو, اپنی بڑائی بیان نہ کرو, ہم تمہیں جانتے ہیں کہ تمہاری حیثیت کیا ہے, کیسے ہم نے تم کو پیدا کیا. اور اگر تمہیں اپنی آپ کی حیثیت جانچنی ہے تو دیکھ لو کہ تم پیدا کہاں سے ہوئے ہو, تو تم کو معلوم پڑ جائے گا تمہاری اوقات کیا ہے. تو خود پسندی اللہ کو جو ہے سخت ناپسند ہے, خود پسندی انسان نہ کرے. اسی طرح جو ہے کسی کے راز پاس کرنا, امانت میں خیانت کرنا, یہ جو ہے سب منافقت کے بھی نشانی ہے, لیکن یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں, زبان سے ہوتی ہیں. تو یہ بھی زبان کے گناہ ہیں. اسی طرح زبان کے اور گناہ کیا ہیں, شعر و شاعریاں. حلال جو ہیں وہ تو الگ چیز ہے, صحابہ بھی کیا کرتے تھے شعر و شاعریاں, لیکن ہم دیکھتے ہیں شعر و شاعری کے اندر جو آدمی اس کو جمانے کے لیے, اس جملے کو جمانے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے اور اس کو جو ہے شرک کے الفاظ اس کے اندر آ جاتے ہیں. اور ہم آج دیکھتے ہیں کہ اسی کے تعلق سے شرک تک پہنچ جاتا ہے, جس کے قوالی ہم دیکھیں آج, قوالی گا رہا ہے, اس کو کیا بول رہا ہے, اس کو جمانا ہے اس, اور وہ دیکھتا جاتا ہے دیکھتا جاتا ہے اور کہاں جو ہے وہ اس کے تعلق سے پہنچ جاتا ہے. تو اس کو ہم کو جانے کی ضرورت ہے. اسی طرح گانے پہ بھی ہم اگر آدمی سنتا گانے بھائی, ارے یار گانے سننے میں کیا دقت ہے, ہم کہتے ہیں میوزک ہے گانے کے اندر میوزک ہے. اب بغیر میوزک کے گانے سنے تو غزل میں تو بہت کم میوزک ہوتا ہے, ڈھب بستی رہتی ہے تھوڑی سی, وہ سن لے تو اس میں کیا رہا. لیکن کیا ہوتا ہے کہ گانے وغیرہ جو سنتے ہیں آپ, بھلے آپ بنا میوزک کے بھی سنیں, کیونکہ گانے بنانے کے لیے اس جملے کو اس راگ کو جمانے کے لیے وہ اس کے اندر کچھ بھی کر دیتے. اور حالانکہ ایسا نہیں کہ گانے لکھنے والے جانتے نہیں, گانے لکھنے والے بھی جانتے. ایک بار جو ایسا ہی ہوا کہ میں جا رہا تھا مسجد نماز پڑھنے کو, اور ایک آٹو والا ہوتا ٹیکسی والا, وہ اس کے جو ہے اس کے اندر ٹیکسی والا دیکھے آپ بڑے بڑے اسپیکر آج کل لگا کے گھومتے, تو اس کے اندر ایک گانا بجا رہا ہے. اب وہ گانے کے اندر اس سے گانے سے لگ رہا ہے کہ یہ جو ایسی بات کر رہا ہے, اس لکھنے والے کو پتہ ہے کہ عقیدہ کیا ہے اسلام کا, وہ بھی اس کو معلوم ہے. اس کے بعد بھی وہ لکھ رہا گانا بنا ہوا ہے. گانے کی کیا الفاظ اس کے اندر تھا کہ ایک جو ہے فلم کا گانا ہے کہ جی کرتا ہے اس مٹی سے تیرے جیسا ایک بدھ بناؤں, جی کرتا ہے کہ اس مٹی سے تیرے جیسا ایک بدھ بنا, یعنی کیا ہے وہ جو ہیرو ہیروئن سے کہہ رہا ہے کہ تیرے جیسا ایک بدھ بناؤں اور اس کو سجدہ کر کے مسلمان سے میں کافر ہو جاؤں. یعنی اس دیکھیے لکھنے والوں کو بھی معلوم ہے کہ میں اس کو جو ہے سجدہ بدھ کو سجدہ کرنے سے کافر ہو جاتا ہے, تو مسلمان ہے تو کافر ہو جائے گا بدھ کو سجدہ کرے, یعنی لکھنے والے کو پتہ ہے. تو وہ لکھنے والا خود جانتا بھی ہے لکھ رہا ہو. اس کے بعد وہ ہیروئن کا ڈائلاگ آتا ہے اس کے اندر, تو وہ کہتا ہے کہ نانا نانا ایسے جو ہے کفریا الفاظ نہ بول سونیے, یعنی اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ جو ہے کفری الفاظ اس طرح سے بولنا. تو آپ دیکھیے ان کو معلوم بھی ہوتا ہے. پھر اس کی میں نے تحقیق کی بعد میں, میں نے کہا کون اس کو لکھنے والا ہے, تو سارے کے سارے جو ہے اللہ جو ہے ان کو ہدایت دے, سب مسلمان, گانے والا مسلمان, لکھنے والا مسلمان, میوزک دینے والا مسلمان, سب اس کے اندر سارے مسلمان. تو آپ دیکھیے آپ ان کو معلوم بھی ہوتا ہے, اور تو کیونکہ یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ اس کے اندر لے جاتی ہیں. تو یہ بھی زبان کا استعمال ہے, اس پہ جو انتہائی اس کو دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ جو ہے اس طرح کام نہ کرے. کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ پسند نہیں کرتا کہ ایسی چیزوں کی جس کو برا سمجھتا ہے اللہ نے برا بتایا اور اس کی وہ تعریف کرے, اس کی جو تعریف کرے. تو انسان اگر کوئی لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا گانے کا اور غزل کا معاملہ تو یہ کہ لوگ جو اٹھتے سے صبح آنکھ کھلی نہیں کہ ان کو چاہیے رہتا ہے, بھائی غزل جگجیت سنگھ کے بنا تو اس کو صبح ہی نہیں ہوتی, غزل لگانی پڑے گی. یہ تھوڑی دیر بعد ہے, تھوڑا کہ لائٹ ہو گیا میوزک, اب تھوڑا سا ناشتہ کرنا ہے, بریک فاسٹ تھوڑا سا فاسٹ ہونا چاہیے. اس کے بعد وہ پھر گاڑی میں بھی جا رہا تھا, پھر کان میں لگا, پھر میوزک, پھر جو گاڑی کے اندر کار کے اندر تو پھر میوزک. تو وہ دن بھر اس کا میوزک گانے سننا ہی ہے. کیوں, اگر وہ اس سے محبت کرتا ہے تو جو ہے انسان جس سے محبت کرتا ہے تو وہ روزے قیامت اسی نیت کے ساتھ میں اٹھایا جائے گا, اور اس کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے. دیکھیے صحابہ جو ہے محبت کیا کرتے تھے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم سے, تو ہم دیکھیں ابو بکر, اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی؟ 63 سال. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کب ہوئی؟ 63 سال. حضرت عمر کی وفات کب ہوئی؟ شہید کیا گیا ان کو, 63 سال. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کب ہوئی؟ 63 سال. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے رسول وسلم سے محبت کرتے تھے, جو اختیار میں بھی نہیں تھا اللہ نے ان کو اس کی محبت کی وجہ سے ان کو عمر بھی اتنی دے. تو جو جس سے محبت کرتا ہے تو اس کو ویسے ہی اٹھایا جاتا ہے. تو یہ اسی طرح جو زبان کا استعمال ہم کو صحیح کرنا ہے, اور زبان کا استعمال ہم جو اللہ کے رسول وسلم کے تعلق سے, اس کے حدیث کے تعلق سے بھی کریں. یہ نہیں کہ بھائی اچھی بات ہے جھوٹ بول دیں, تھوڑا سا اس کی فضیلت بیان کرنے میں کیا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے, لیکن لوگ جو ہے عبادت کرنے لگ جائیں تو یہ سا جھوٹ, کیونکہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث پہ آ جائے گا کہ جو میرے بارے میں جھوٹ باندھے تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے.
तो ऐसा भी नहीं कि फजाइल के अंदर आप झूठ बोल दें, फजाइल के अंदर भी झूठ नहीं बोला जा सकता। आप चाहे वो इबादत करने के लिए किसको बुलाएं तो आप झूठ बोलकर उसको नहीं बुला सकते। इसी तरह जो है ज़ुबान के अंदर और भी जो है कई इस्तेमाल होते हैं ज़ुबान के, जैसे बीमारी के अंदर अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बीमारी को तुम गाली ना दो, क्योंकि ये भी क्या होता है ज़ुबान से अमल। क्यों? क्योंकि ये बीमारी तो तुम्हारे गुनाह को माफ़ करती है, जब बीमार हो जाता है तो क्या होता है उसके गुनाह झड़ने लग जाते हैं, तो उसको बुरा भला मत कहो। और इसी तरह जो हम देखें एक और हदीस में मिलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सही मुस्लिम की रिवायत है, कि एक आदमी ने कह दिया कि अल्लाह की कसम अल्लाह ताला फला बिन फला को नहीं बख्शेगा, तो यह हदीस कुदसी है। तो फिर अल्लाह फरमाता है, कि ये जो है तुमने फला फिल फला को ये कहा कि अल्लाह इसको नहीं बख्शेगा, तो कौन है जो उसने ये बात कही? तो मुझ पर फला को ना बख्शने की कसम ये खा रहा है, तो मैंने उस फला को तो बख्श दिया लेकिन तेरे तमाम अमाल मैंने बर्बाद कर दिए। अब ये किससे हुआ? ज़ुबान से हुआ। तो अपने हिसाब से हम नहीं कहते किसी को देखा हमने और किसी को ये करते देख लिया वो कर दिया, इसकी तो मग़फ़िरत ही नहीं है। अब उस इस हदीस पहले हदीस कुदसी है, ये सही मुस्लिम की रिवायत, कि उसमें एक शख्स अल्लाह खुद कहता है कि वो शख्स ये कह रहा है कि फला बिन फला को अल्लाह नहीं बख्शेगा, तो जाओ मैंने उस फला बिन फला को तो मैंने बख्श दिया लेकिन इसके सारे आमाल बर्बाद कर दिए। क्यों? क्योंकि तुम अल्लाह की रहमत तुम कौन होते हो, अल्लाह चाहे जिसको बख्श दे। तो ये इस तरह से किसी को फतावे देना और ये कह देना कि इसको तो हिदायत नहीं मिलना और ये तो ये फला हो जाएगा, ये तो खूब इन चीज़ों को हमको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ज़बान की इसमें हमको हिफाजत इसमें बहुत ज़रूरी है। और जो है इसके ताल्लुक से जो अल्लाह के रसूल ने ज़बान की जो गारंटी था, ज़मानत खुद ले लेता अल्लाह के रसूल ने कहा कि मैं उसकी ज़मानत लेता हूँ, कि उसकी जो है दो चीज़ों के ताल्लुक से फरमाया अल्लाह के रसूल, एक शर्मगाह के दो पैरों के चीज़ में और दो जबड़ों के बीच में, जो इसकी ज़मानत ले ले मैं उसकी जो है ज़मानत उसकी लेता हूँ। ये सही बुखारी की रिवायत है हदीस नंबर 474, जिसके ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस आदमी ने मुझे अपने जबड़ों के बीच वाली चीज़ यानी लिसान यानी ज़ुबान की ज़मानत दे दी और दो पाँवों के बीच की चीज़ यानी शर्मगाह की जो है ज़मानत दे दी, तो मैं उसको जन्नत की ज़मानत देता हूँ, जन्नत की ज़मानत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। तो ज़बान की हिफाजत करना जो है हमको इंतहाई ज़रूरत है कि हम इसकी हिफाजत करें। और इसी तरह जो है ज़बान के ताल्लुक से अगर हमसे जो गलतियाँ होता है जो हो जाती है ज़बान के ताल्लुक से हो जाती है, तो हम अगर हम चाहते हैं कि वाकई कि हम उस पर नदामत है कि अल्लाह वाकई हमसे ज़बान के ताल्लुक से जो कोताहियाँ गलतियाँ हुई हैं, तो हम क्या करें, उसके लिए कैसे तौबा की जाए, तो उसके ताल्लुक से ये है कि सबसे पहले तो इसकी बुराई से जो हमने की है तो दिल के अंदर नादिम हो कि अल्लाह मुझसे गुनाह हुआ, ये चीज़ें मेरे ज़ुबान से निकली, फ़लाँ के लिए मैंने ये बुरी चीज़ें की, तो फिर उसके बाद में उस पर नादिम हो कि अल्लाह गुनाह हुआ, अपने गुनाह को माने, फिर वो जो है अल्लाह से तौबा करे और हेल्प करे कि मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। ये नहीं कि बस बाद में, नहीं तो लोग क्या करते, बुराई करते, देखो मैं बुराई तो नहीं कर अल्लाह की अल्लाह तौबा, लेकिन मैं क्या बुराई तो नहीं करता लेकिन वो ऐसा है, मतलब कह दिया नहीं करना और फिर भी उसके बाद में देखो मैं बुराई नहीं, ये बुरा तो नहीं है लेकिन फिर कह देता है, तो इस तरह से वो ना करे, हेल्प भी करे ऐसा नहीं करा। और अगर किसी ने बंदे की बुराई की तो वो बंदे से ही उसको माफ़ी मांगना पड़ेगी, नहीं तो फिर वो रोज़े कहमत अल्लाह उसको बख्शेगा नहीं, वो बंदे के पास में हिसाब किताब उसको करने भेजेगा, तो ये जो इसका मसला होगा। तो ये जो है सबसे मुश्किल काम यही है, सबसे मुश्किल काम ये है कि बंदों के हक अगर किसी ने मांगे मार दिए तो ये सबसे मुश्किल काम है कि उसके हक अल्लाह देगा नहीं। उसके ताल्लुक से हमको एक हदीस मिलती है कि एक आदमी रोज़े कयामत आएगा जो नेकियों को पहाड़ लेकर आएगा, और नेकियों को पहाड़ वो जब लेकर आ जाएगा तो फिर वो फिर उसका हिसाब किताब अल्लाह कर देगा, भाई यार नेकी तो इतनी बहुत सारी हो गई, बहुत सारी नेकी है तो सिवाय जन्नत के कुछ नहीं, तो वो भी देखेगा फ़ख्र से फरिश्तों की तरफ, नेकियाँ लो और जन्नत का दरवाज़ा खोलो जाने दो। लेकिन जब फरिश्ते आकर कहेंगे कि अल्लाह कुछ लोग खड़े हैं जो अपना हक इससे मांग रहे हैं कि अल्लाह के, अब तो बंदा वो जो इबादत भी उसने पूरी की, ज़कात पूरी दे के आया, रोज़े पूरे रख कर आया, हज कर कर आया, नेकियों को पहाड़ उन्हें खड़ा कर दिया, लेकिन फिर अल्लाह से कहेंगे फरिश्ते आकर अल्लाह कुछ लोग जो है अपने हक का मुतालबा कर रहे हैं, तो फिर जो है अल्लाह कहेगा कि बुलाओ उनको, वो बुलाए जाएंगे कि अल्लाह इसने मुझे फलां जो है गाली दी थी, अलग इसकी नेकी उठा के इसको दो, कि इसने जो है फलां मेरा हक मान लिया था, बोले इसके जो है नेकियाँ उठाकर इसको दो, यहाँ लोग आते जाएंगे और उसकी नेकियों का पहाड़ पूरा ख़त्म हो जाएगा, उसके कहे फरिश्ते कहेंगे अल्लाह इसकी नेकी तो ख़त्म हो गई, अभी तो और लोग बाकी, तो कहेंगे कि उनको भी बुलाओ, अभी कहेंगे कि अल्लाह के ने ये किया था, ये गाली दी थी, मुझे बुरा बोला था, तो कहा कि इसके जो है इसके जो गुनाह है अब इसके इतना डाल दो, और अब वो जो है गुनाह डलते जाएंगे और जितना बड़ा नेकी का पहाड़ लाया था अब इतने बड़ा गुनाह का पहाड़ उसके खड़ा हो जाएगा, और अल्लाह फिर जो है उस आदमी को खींच के फरिश्ते जेलने में डाल देंगे। क्यों? क्योंकि ज़ुबान से होता है सब कुछ। तो बंदों के हक अल्लाह माफ़ नहीं करेगा,
तो इसलिए हमको ज़रूरत है कि बंदों, और ज़ुबान से क्या होता है, बंदों के हक मारे जाते हैं, बंदों के हक। तो हम अगर इसके ख़ास हम इसकी हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम किसी की चीज़ को इसमें ध्यान रखें ज़ुबान के अंदर। नहीं तो एक हदीस के अंदर और आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ताल्लुक़ से फरमाया कि जो आदमी अपने पिछले गुनाह से तौबा कर चुका, जो आदमी अपने पिछले गुनाह से तौबा कर चुका, यानी पिछले गुनाह के आदमी नमाज नहीं पढ़ता था या बुरे काम करता था, शराब पीता था या जो भी बुरे काम वो किया करता, उसने छोड़ दिया। अब उसका एक दोस्त जो उसके साथ बचपन से था, ये हमारे यहाँ होता है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ हदीस के अंदर कि ये जो है वो क्या होता है कि वो दोनों दोस्त साथ, अब उसको किसी दिन उन दोनों के गहमा गहमी हो गई। अब हालांकि अब दोनों ने दोनों को बुराई को छोड़ दिया, लेकिन अब क्या करता है वो जो 5-7 साल पहले किया करता था कि बुरे काम करता, भाई हम फला जगह जाते थे, पहले हम शराब पीते थे साथ में, हम जो फला बुराई करते थे, नमाज नहीं पढ़ते थे, तो वो क्या करता है, उसकी जब तनातनी होती तो क्या करता है, उसके वो ऐब जो भुला चुका है वो खुद भी, लेकिन अब वो कह देता है जाओ जाओ तुमको मैंने देखा, तुम तो शराब के अंदर थे, नशेड़ी थे, तुम तो फला फला जाके जाया क्या करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया अगर ये उसने कहा इस तरह से वो काम जो ये करता है तो फिर जो है क्या होगा, फिर ये होगा कि उसने इसके ऐप को उजागर करा, ये आदमी इसी पर इसको अल्लाह मौत देगा, क्योंकि वो तौबा कर चुका और उसके राज को वापस उसने जाहिर किया, तो अल्लाह फिर उस आदमी को जो उसने राज को उसके उगला है, बताया है, लोगों के बीच में लाया है जबकि वो तौबा कर चुका है, तो उसके बाद अल्लाह उसको ये चीज़ें डाल देगा और शराब के हालत में वो मरेगा, उसने उसके राज को उगार करा, फला जगह जाता था तो उसी हालत में आदमी को अल्लाह मौत देगा। तो इंतहाई हमको ज़रूरत है कि ज़ुबान की हिफाजत हम करें। इसमें कई चीज़ें इसमें और बयान की जा सकती है, लेकिन ये मुख्तसर जो मैंने इसमें रखने की कोशिश की। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि जो कुछ कहा और सुना गया इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। अल्लाह जब तक जिंदा रखें, ईमान इस्लाम पर जिंदा रखें, अल्लाह जब मौत दे, साल में मौत दे, अल्लाह हमसे राजी हूँ, अल्लाह से राजी हूँ। आखिर दावाना अलहमदिल्ला।